राम राम जी, राम राम जी। उनसा काम जी, मेरा गांव कोथ है जी। अच्छा जी, कोथ में क्या मोल है? कोथ तो पड़ता है ये नारनौल में जी। हाँ जी, किसका मोल है? मार दो बीजेपी का जी। बीजेपी का है जस्सी, उसकी टक्कर हो तो जस्सी कर, उसका तो मुकाबला था ये कैप्टन का मुकाबला, वहां पकड़ दिया कौन जी को। ठीक है जी, इस टाइम हम जींद विधानसभा के गांव दरियावाड़ा में है। ये भाई कोथ का थोड़ा व्यू ले लिया, दरियावाड़ा से बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। शुभ नाम जी? हुशियार सिंह। अच्छा हुशियार सिंह जी, क्या मोल लगा जी आपने? मारा तो जी कांग्रेस की जीत मावर गुप्ता की। अच्छा, मावर गुप्ता कांग्रेस का आदमी है, अच्छी बात है कि आप उसकी जीत करे हो। तो बीजेपी का क्या मोल है? बीजेपी के तो हमारा गांव में 5-6 लोकसभा में भी जो 46 वोट आए थे वे युवाओंगे। बीजेपी से नाराज है? बीजेपी से नाराज है, किसान आदमी, किसान आदमी नाराज है। तो भाई एक ही अवतार तरह गुआंडी प्रदीप के लिए उठ रहा है, इसके से 45 पर्ची हमारा गांव प्रोग्राम तो बहुत बड़ा दिखा था। हां, हमारा गांव में 45 यहां से करीब 55 पहले दिखा था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। कह दिया होगा वो मुझे के होंगे वहां 45 से वोट में कम है, 45 है ऊपर एक। अच्छा ये बताओ, मैं मंगेराम गुप्ता का लड़का जो महावीर है, पिछली बार जेजीपी से चुनाव लड़ा था उसको? हां लड़ा था। तो कितने वोट ले गया था वो? 48,000 तो जब चुनाव हार गया तो लोग, मैं पूछू भाई जनता से, हम चुनाव हारने के बाद 5 साल नजर नहीं आओगी? हमने उस पर कुछ नहीं लेना, हमने बीजेपी के खिलाफ वोट देना। अच्छा, बीजेपी तो किसान की ग्रामीण की नाराजगी। अच्छा। ना कांग्रेस छड़मदार मर्दी, कांग्रेस में कोई सीएम आओ के हमने कोई आंट नहीं, हमने तो बीजेपी ते किसान ने नाराजगी है इनकी बहुत दुखी। जो उसको रहा उसको वोट दोगे? हाँ, जो बीजेपी मावर गुप्ता से कोई मतलब नहीं आपने? ना के मतलब, यानी जो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, लोग कई बार मुझे पूछे हैं रास्ते में कि जो मावर गुप्ता ना 5 साल है जब उसको विपक्ष का सेकंड नंबर पे आता मिड्डे के खिलाफ, तो 2019 के चुनाव में, उसके बाद है मावर गुप्ता किसे काम में, प्रदीप गिल तो काफी राउंड करता है? नो नो, कुछ नहीं, बहुत कम, मतलब कांग्रेस का बीजेपी, बीजेपी के बताऊं 240 वोट आए थे लोकसभा में, अरे इसके आ जाएंगे 50 वोट गिल के आ जाएंगे, 300 वोटा में सिमट लेंगे दोनों, बाकी 1200-1100 वोट बोलोंगे सारे कांग्रेस के। ठीक है, शुभ नाम जी आपका? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह के मोल है? नंबरदार। नंबरदार के मोल है? नंबरदार कांग्रेस का जी। कांग्रेस का है? अच्छा, तेरा गुआंडी सा कोई विचार नहीं? ना कोई विचार नहीं, बालक पढ़ाने जब तो मैडमन लेके आ गया, देख ले कतरूं को नहीं। एक मिनट भाई, भाई उधर आइए भाई। यो भाई, हाँ जी, शुभ नाम जी आपका? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी के मोल है? कांग्रेस का जी। कांग्रेस का जी। बीजेपी का? बीजेपी का तो जी अपना तो झंडा ही देख के राजी को नहीं, कैंडिडेट यू प्रदीप गिला भाई जो अपना देसी भाई है, ठीक है जी, गामा का है, ये दोनों शहर गए गामा का है, निर्दलीय का कोई माहौल नहीं। एक मिनट, इतना काम है, 5000 वोट खराब कर दिया जी। अच्छा, मतलब मैडम मुडम पढ़ाओ के बताओ साहब भाई, देखला करवाना आ रहा बड़का और कौन यार ना, सुख दुख में यू। अच्छा हां, पीछे देवा, पीछे दे, हां बच्चे पढ़ा रहा बस है, अच्छे बच्चे पढ़ा दरिया लगे बतेरे पढ़ा जी, मैं क्लास में बस भर के जावा हूं, तो मैं स्कूल तो ठीक है इसका? हां स्कूल ठीक है, स्कूल तो जी डांडे का भी है, स्कूल तो और ये भी बढ़िया है जी, और ये और भी ज्यादा जावे है, फिर वोट उसती भी कोनी। अच्छा, और दुकानदारी उनकी वा तो एक उनकी खेती है जी वा तो। अच्छा एक मिनट, ये दोबारा ये भाई से बात करें, के को थे आप बीजेपी का? बीजेपी का क्या है? बीजेपी का है कुछ नहीं, मतलब उसके खिलाफ आपके नाम है उसका, प्रदीप गिल के बारे में? प्रदीप गिल का कुछ नहीं यार, इनकी दुकानदारी है, दल्ला लाले के लाले एक जो उसके वोट दे हुए नी, वो सीधे बीजेपी को दे दियो, फिर वो कांग्रेस को रहना चाहते हैं, दूसरे कांधे पे बंदूक धर के क्यों दे हुए गिल को वोट, कोई पोजीशन में नहीं और नहीं गिल है। एक मिनट इधर आ जाओ। शुभ नाम भाई साहब? संदीप जी। संदीप जी के मोल लगा आपने? मोल तो कांग्रेस का जी। कांग्रेस मंगेराम गुप्ता का लड़का जमा एक तरफ, कदे 5-7 साल दिखा को नहीं, फिर भी वोट दे रहे आप उसको?
दिखे क्या तो और तो दिखे है वर्कर बतेरे मतलब आप महावीर गुप्ता वोट दे रहे हो कि उद्धव वोट दे रहे हो उद्धव वोट दे उद्धव वोट दे रहे हो हां उद्धव वोट है तो सीएम किसे दिखाना चाहो सीएम उद्धव ही ना शैलजा कुमार एक विचार ना वो तो उसकी किस्मत देखो हाईकमान पे देखो मतलब पसंद किसको करते हो आप ज्यादा दीपेंद्र वना चा उड्डा बड़ा चा उड्डा उनसे पसंद करते हो खट्टर खट्टर के बारे में क्या विचार खट्टर तो प्लास्टिक मुंह से ना तो जमानो नायब सैनी ना ना मतलब एक मिनट अच्छा एक मिनट एक मिनट इधर आ जा इधर आ एक मिनट भाई इधर राम राम ये कौन बोल उधर आ जा ताई ने पूछा ताई नहीं पूछ ले ताई राम राम ताई की एक मोबाइल कोई फोन एक मिनट काट दे बीच में ताई राम 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 भाई ताई किसके वोट दोगी भाई देखी जाए जरूर फिर भी कौन अच्छा लागत ने मन तो बीजेपी ना और कांग्रेस है हाँ कांग्रेस उड़ान दोगी उड़ा उड़े हो और से देश वाल ले हो अच्छा एक गांगोली का उठ रहा अपना जीन दे मैं तो गांग वो भी आओ घर ताई अच्छा 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 उड़ान दोगी वोट हाँ उड़न देंगे भाई आई उड़न बोल दे होगी एक मिनट थोड़ा भाई उड़ा रहा जाएगा दो भाई बैठे हैं इन दो ये और दो भाई बैठे हैं इन तो बात कर रहे राम राम ताऊ ठीक से ताऊ क्या गांव से ठीक से क्या नाम है आपका रामदारी ताऊ रामदारी जी धन्यवाद जी क्या मोल है बोट बट्टंग अपना गांव में बोट्टा भैया मैं तो वोट का जमा कहना नहीं मैं वोट दूंगा उड़ेगी उड़ेगी अपना नाम जी एक तरफा माहौल है जी कांग्रेस का कांग्रेस का तो क्या गैंग से किसका मोल है जमात कांग्रेस का कांग्रेस का कांग्रेस का कांग्रेस का कांग्रेस का इन सब जी भाई ने पूछा राम राम जी राम राम किसका मोल है जी भाई आप तो भाई कांग्रेस का वोट दे भाई राम राम जी अपना नाम जी मैं इसका गल्ला हूं कांग्रेस का यह एक तरफा मोल कांग्रेस का है बिल्कुल अच्छी बात है ठीक है जी